कुछ हटके कुछ न्यू करेंगे, तीन आइडिया बनाएंगे पुराने शर्ट का। वेलकम बैक टू एडवांस कला, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओल्ड शर्ट पीस थे उसको ले लिया है मैंने, और थ्री ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो छोटे बड़े सबको काम है। तो इसके ऊपर रख दी है मैंने प्रेस, शर्ट के ऊपर रखी हुई है, और जो प्रेस है उसके सेप जो है वही सेप हमने मार्क कर लिया है, और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए कुछ ऐसा सेप बन जाएगा, फिर आपको उसी नाप से दूसरी साइड से भी सेप कट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सेंटर में फॉर्म डाला और इस तरीके से क्विल्ट कर लिया है। क्विल्ट करने के बाद 7x6 इंचेस का ये पार्ट लिया है जिसे हमने यहाँ पे जोड़ना है स्टिच करके, और 23x5 इंचेस का ये बॉर्डर लेना है, और जिप हमें लेनी है 23 इंचेस की जिसे अटैच करना है, फिर प्रेस स्टिच करनी है और यहाँ पे जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद दोनों साइड जोड़ लिया और प्रेस स्टिच कर दी। अब हम यहाँ से पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे, और ऊपर का पार्ट यहाँ पे जैसे नीचे का जोड़ा है वैसे ही जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा रेडी हो चुका है, अब हम इसे सीधा करेंगे, और देखिए ये हमारा प्रेस ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। तो कैसा लगा यह आइडिया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और सेकंड आइडिया में मैंने ले लिया है एक फोल्ड किया हुआ शर्ट, और एक शॉपिंग बैग ले ली है, इसी के ऊपर मैंने मार्क कर लिया शर्ट रख के फोल्ड किया हुआ, और दो पार्ट रेडी किए। फिर मैंने एक क्लॉथ ले लिया और सेंटर में फॉर्म, और इसे स्टिच करके जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे हम शर्ट बचा हुआ जो पार्ट था पहले हमने प्रेस ली थी उसी में से उसी को लेना है, और ये जो बटन की पट्टी है उसे कट कर लेना है, और कॉलर से कट कर लीजिएगा ऐसे, आपको कॉलर तक कट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ऐसे इसे सेंटर में अटैच कर लेना है। देखिए 300 से 250 तक आपको ऐसा ऑर्गेनाइज़र बाज़ार में मिलेगा, लेकिन सिर्फ 50 रुपये में घर पे रेडी हो जाएगा। तो ये कॉलर हमने कट किया, और इसे ओल्ड में से कोई भी कॉलर कट करके ऐसे आप बना सकते हो, और यहाँ पे एक पॉकेट भी हम कट कर लेंगे जिससे बहुत ही रेडीमेड स्टाइल लगेगा। यहाँ पे स्टिच कर लीजिएगा। अब देखिए ये सब हमने ऐसे स्टिच करके अटैच कर लिया है। अब आपको क्या करना है, 12x5 इंचेस का ये पार्ट लेना है, जहाँ पे कॉलर है ना वहाँ पे अटैच कर लीजिए ऐसे, थोड़ा थोड़ा खुला रखिएगा। और 17x4 इंचेस के दो पार्ट लिए हैं साइड का नाप लेके, और फिर सेंटर में हमें ट्रांसपेरेंट सीट लगानी है, तो वो 12x4 इंचेस की ली है जिसे दोनों साइड से आप अटैच कर लीजिएगा, प्रेस स्टिच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने ये पूरा बॉर्डर रेडी कर लिया है। अब आप यहाँ पे जिप ले लीजिए, जिप को इसी बॉर्डर के नाप से कट करके जोड़ के प्रेस स्टिच कर लें। अब दोनों साइड से रनर डाल दीजिएगा हो सके तो, अब बॉर्डर के साथ जॉइंट कर लीजिए जो हमने कॉलर के पास बॉर्डर अटैच किया था। अब हम पूरे रेक्टेंगल पीस में अटैच कर लेंगे स्टिच करके। अब देखिए दूसरी साइड भी हमने बॉर्डर को अटैच करके प्रेस स्टिच कर लिया। अब दूसरा पार्ट लीजिए, इसके ऊपर रखिए, और फिर पूरे राउंड में स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अब हम क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग लेंगे, नीचे से अटैच करेंगे पूरे राउंड में, फिर यहाँ से एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे, फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच कर लीजिएगा, और देखिए इसमें बहुत ही फिनिशिंग आई है, रेसे बहुत नहीं निकलेंगे और बहुत सारे शर्ट इसके अंदर रह जाएंगे। आपके नए आपके हस्बैंड के जो शर्ट है वो अच्छे से इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। देखिए इस तरीके से सारे जो प्रेस किए हुए शर्ट है वो रख दीजिए। तो कैसा लगा ये सेकेंड आइडिया, अच्छा लगा ना? चलिए अब थर्ड आइडिया की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये शर्ट था उसी में से मैंने कट कर लिया है दो पार्ट 9x7 इंचेस के, सेंटर में फॉर्म डाला है, और इसमें नीचे की ओर डबल कपड़ा था तो वही अस्तर मैंने भी यूज़ कर लिया, और क्विल्ट कर लिए 6x7 इंचेस के दो पीसीस ले लिए हैं, और इस तरीके से क्रॉस में स्टिच कर लिया है। फिर मैंने 12x7 इंचेस का एक पीस लिया
और 15x2 इंचेस के दो स्ट्रिप ले लिए हैं, और यहाँ पे 12 इंचेस की एक जिप ले ली, और 7x7 इंचेस का ये दो पीस लिया। 12x7 इंचेस का जो पीसेस हमने लिया था उसे लेना है, इसे सेंटर से कट कर लीजिएगा और ऐसे आपको जिप अटैच करनी है। देखिए स्टिच करना है, फिर प्रेस स्टिच करनी है और फिर रनर डाल दीजिएगा, और फिर लेना है 9x7 इंचेस का पार्ट, और उसके साथ जो एक पार्ट हमने लिया था वो लेना है, उसके साथ जोड़ दीजिए। ये देखिए दोनों साइड हमने ये पार्ट जोड़ लिया। फिर हमने ये स्ट्रिप ली है जिसे स्टिच करके हम बेल्ट बना लेंगे, और इसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। सेंटर में जितनी भी जगह रखनी है उतनी रख लीजिए। अब हम सेंटर के जो पार्ट बनाए थे क्विल्ट किए हुए उसे अटैच करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से हमें अटैच करना है ऐसे दोनों साइड से। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से स्टिच करते हुए अटैच कर लीजिए। अब हम ऊपर का नाप लेके जो जिप वाला पार्ट रेडी किया है वो लेंगे और उसमें लगाएंगे वेलग्रो। वेलग्रो कैसे लगाना है तो आप दोनों साइड से ऐसे अटैच कर लीजिएगा और इस तरीके से और स्टिच करके जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे। देखिए मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा लगता है लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ कर दीजिएगा, मैं याद करा देती हूँ। अब जिप वाला पार्ट ऊपर की ओर ऐसे अटैच कीजिए, पहले दोनों साइड से अटैच करें और फिर साइड में अटैच करके पूरे स्क्वायर रेक्टेंगल में अटैच कर ले, और देखिए कितनी प्रिटी सी बैग बनकर रेडी हो गई। तो आज के तीनों आइडिया आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम।